दोस्त, भारत देश एक हिंदू धर्म प्रधान देश है। हालांकि यहाँ पर अन्य कई प्रमुख धर्म भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ पर ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में हजारों करोड़ देवी देवता हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने तरीके से पूजते हैं। मान्यता के अनुसार इस संसार में कुल 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे है जिनकी मुख्य रूप से पूजा होती है और उन्ही में से एक है भगवान शिव। आज हम सभी लोग जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव का प्रतीक है। आमतौर पर शिव जी के भक्त सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र तथा अन्य पूजा सामग्री चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा की अर्चना करते हैं। शिवलिंग मतलब शिव भगवान, मगर कैसे? शिवलिंग का शिवजी से संबंध कैसे? क्या है इसका मतलब? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है इसकी मान्यता? इन सब चीजों के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। ज्यादातर लोगों को बस इतना ही पता रहता है कि शिवलिंग अर्थात भगवान शिव का प्रतीक है, मगर आज हम आपको इसका असली मतलब बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर शिवलिंग का अर्थ क्या है और कैसे इसे शिव जी का प्रतीक मानकर भगवान शंकर की पूजा की जाने लगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्त, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में उपस्थित 12 शिवलिंगों के अलावा भारत के हर मंदिर में एक नए शिवलिंग की स्थापना की जाती है। सभी देवों में बस शिव के लिंग की पूजा की जाती है। असल में दोस्तों, पुराने ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार शिव को अपना होश नहीं रहा और जिसके कारण वे निवस्त्र होकर इधर उधर तांडव करने लगे और ऐसे करते हुए वे तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और इस अवस्था में भटकते हुए देख कुछ ऋषियों को गुस्सा आ गया और जिसके कारण उन्होंने क्रोध में शिवजी को श्राप दे दिया कि शिव का लिंग कट कर गिर जाए। और तब दोस्तों, शिव का लिंग कट कर पाताल लोक में गिर गया और इस लिंग से निकलने वाली ऊर्जा में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि संसार में प्रलय आ गया और दुनिया तबाह होने लगी। और पूरी सृष्टि को तबाह होते देख सभी देवी देवता माता पार्वती के पास मदद के लिए गए और सभी देवी देवताओं ने इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। और तब ही सभी देवताओं के प्रार्थना के कारण माता पार्वती ने शिव के लिंग को धारण कर लिया और पूरी सृष्टि को उनकी ऊर्जा के पड़ने से बचा लिया और जिसके बाद से शिव को महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग का मतलब शिव के लिंग से नहीं, असल में संस्कृत भाषा में लिंग का मतलब होता है रूप, यानी किसी चीज का प्रतीक। कई लोगों की धारणा है कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि शिव के प्रतीक रूप के तौर पर ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव जी को मानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में शिवलिंग लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।